अपन तो उमंग के कायल हैं, सही बात कहना, ठोक के कहना। ऐसी ही बात उन्होंने, जैसी अभी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कही है, जब सरकार में थे तब उन्होंने कहा था पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी है, शराब माफिया, खनिज माफिया दिग्विजय सिंह है, सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो दिग्विजय सिंह है, उनने कहा था। और अचंभा यह है कि आज तक उमंग सिंगार की बात का दिग्विजय सिंह जी ने खंडन नहीं किया, आज उन्होंने फिर कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी कुछ तो जवाब दो, आपके पार्टी के नेता हैं, उनने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जनजाति बंधुओं की उपेक्षा की है, आप वहां जा रहे हैं धार के पास झाबुआ बुआ जी जमुना देवी की, कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की थी, सुभान सिंह सोलंकी जी की जिस तरह से उपेक्षा की, दलवीर सिंह जी की, और अभी स्वयं उमंग सिंगार आपके सताए हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं, ये जग जाहिर बातें हैं कि आप उनके विरोधी हैं, और ये उदाहरण आपके सामने। एनआईए ने छापा मारा, पुलिस अवकाश भी जो है वो दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, और कमलनाथ जी कह रहे हैं उन्होंने घोषणा की थी कि पुलिस कर्मियों को अवकाश देना। गजब है कमलनाथ जी का भी, ये घोषणा ही करते रहे 15 महीने में, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी घोषणा करवा दी थी 10 दिन में कर्जा माफ की। कमलनाथ जी काम करने को तो घंटे ही काफी होते हैं, उन्हें तो राहुल गांधी जी ने 10 दिन दिए थे, आप घोषणा ही करते रहे, एक को भी अवकाश नहीं दिया। घोषणा ऐसी होती है जिस शिवराज सिंह जी ने की है, इधर घोषणा की उधर पीएचक्यू से आदेश निकला और अवकाश पे हमारे पुलिस के जवान चले भी गए। ये काम होता है ऐसे करके दिखाते, एक का भी 2,10,000 में कर्जा माफ नहीं किया, किया हो तो टीवी के सामने लाओ तो, किसी बेरोजगार को भत्ता दिया हो तो टीवी के सामने लाओ तो। कमलनाथ जी सरकार चलाने और मुंह चलाने में फर्क होता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारने को लेकर कमलनाथ को लेकर, अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई, लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पे नहीं बोल रहे, आप देख रहे हो एक शब्द नहीं बोले वहां पर। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू हैं ये, इच्छाधारी हिंदू हैं ये व्यक्ति के हित के लिए स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते, इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है, ये इस तरह के लोग हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।